इकट्ठे रहो। ये तो सच में छोटा राक्षस है। अरे इससे क्या डरना है? लट्टू तुम गंभीर हो जाओ। भाई पिछली ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म से लड़ने आया था, थोड़ी देर भी नहीं टिक सका। अब ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चुप रहो तुम। नो ये सब सुनने के बाद मैं अपना जीवन बिना पछतावे के जी सकता हूँ। बॉस फिर से पागल हो रहे हैं बॉस। इतने फैंस को देख के तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अरे यार मुझे बेचैन मत करो। कम ऑन, हम लोग कुंफू टीम है। कम ऑन प्रशिक्षण प्रणाली एक असली परी की दुनिया को दर्शाती है और हमें राक्षसों का हमला दिखाती है। हम नागरिक अत्यंत प्रामाणिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके पास कुंग-फू टीम के टर्मिनल और लॉलीपॉप है तो संभवतः आप कुंग-फू टीम में नामांकित हो सकते हैं। तुमने ये खरीदा है? कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। अरे बदतमीज, लाइन तोड़ने की हिम्मत तुम्हारे लिए लाया हूँ। करेगा हिम्मत, मुझे टर्मिनल चाहिए। माफ करें सर, हमारे पास आपका साइज नहीं है। हमें मास्क क्यों पहनना पड़ रहा है? हम सब फेमस हो गए, हमें अब छुपना चाहिए। बॉस, हमने ऑलरेडी चश्मे पहने हैं, फिर सनग्लास क्यों? क्योंकि ये स्कूल है। वाह, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। देखो किट्टू द पावर चैंप। क्या कितने बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता है फेमस होना क्या होता है? लंबू शाड़े। बचाओ,
ले ले, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये पाउडर ऐसे क्यों दिख रहा है? हम तुमसे मिलना चाहते हैं। गट्टू, तुम सच में बहुत फनी हो। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तो देखा तुम लोगों ने ऐसी होती है प्रसिद्धि। अरे यार टेलर एंड सॉरी सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। गट्टू तुम? गट्टू मैं तुम्हें बहुत पसंद कर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गट्टू मैं तुम्हारा फैन हूँ। हाँ थैंक्स। तुम भी कुंफू टीम टर्मिनल खरीदने आए हो क्या? खरीदने तो आया था लेकिन कितनी लंबी कतार है, मैं टर्मिनल कैसे खरीदूं? अरे क्या करें, जैसा कि मुझे पता है यहाँ केवल 200 टर्मिनल का उत्पादन किया गया है, लेकिन देखो यहाँ तो 500 से अधिक लोग इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे तुम्हें तो नहीं मिल सकता। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, 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 चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपना वाला दे सकता हूँ तुम्हें। सच में? आ गए हम। ओ, तो आप यहाँ रहते हैं? वाह क्या जगह है। वाह, अरे वाह इतने सारे डब्बे, ये सारे टर्मिनल है क्या? मिस्टर टिकटॉक ने खरीदा है राजकोष से। गट्टू आओ मेरे नए आविष्कार का प्रयोग करो, ड्रीम मैन मेकर। एक मिनट में स्कैनर बन जाओगे। हाँ तुम्हें विश्वास नहीं होता? शो टाइम। जो सुबह को मैं जागू मैं अपना सुंदर चेहरा शीशे में देखता हूँ, मेरी प्यारी पोज देखो, मेरे बिड़ बदुंगा जो आगे बंगर तुम सोचो, ड्रीम मैन आ गया है। मैं हूँ ड्रीम मैन, मैं खुद से प्यार करूँ। मैं हूँ ड्रीम मैन, मैं खुद से प्यार करूँ। आ जाओ मेरे संग नाचो गाओ, आ जाओ मेरे संग मौज मनाओ। पागल सारे के सारे दुनिया की सारी लड़कियाँ टिकटॉक को ही अपना माने, हो सब मुझ पे पागल सारे के सारे दीवाने, दुनिया की सारी लड़कियाँ टिकटॉक को ही अपना माने। ए गट्टू तुम भी गाओ ना। नहीं 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 कम ऑन। अच्छा ठीक है बस थोड़ा सा। हाँ मैं हूँ गट्टू द पावर चैंप, मैं हूँ सबका चहेता, मुझको जो देखा तूने, मुझको जो जाना तूने, ध्यान कभी न हटेगा। मेरी हंसी सुन के घबरा जाओगे, मेरी हंसी सुन के शर्मा जाओगे, तुझसे भी ज्यादा लड़कियाँ टिकटॉक मुझ पे मरती हैं, है ना? ओहो सब मुझ पे पागल सारे के सारे दीवाने, दुनिया की सारी लड़कियाँ गट्टू को ही अपना माने। ओहो सब मुझ पे पागल सारे के सारे दीवाने, दुनिया की सारी लड़कियाँ गट्टू को ही अपना माने। जैसा कि मैंने सुना राजकोष में पैसे नहीं बचे हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, सीनियर के लिए अलग करनी चाहिए। अपने से बड़े को कोई ऐसे मारता है क्या? ये लो मैं ले आया। ओ यही तो है वो जिसकी बात पापा करते थे। ये तो बहुत बढ़िया है गट्टू, तुम मेरे ही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, होता है होता है। पापा काम के बाद मेरे साथ खेल सकते हैं, लोग कहते हैं पापा के साथ ये सबसे अच्छा खेल है। इस बार पापा मुझे खेलने से मना नहीं कर सकते। हाँ इस बार बहुत मजा आएगा, बढ़िया वीकेंड होगा। अब मुझे घर जाना है, पापा का इंतजार करना है। बाय गुड बाय गट्टू।
मैं बताना भूल गया कि यहाँ है तेरवा महल। क्या ये सब तोहफे मेरे लिए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। गट्टू, ये हमारा सामान है। डार्क पोर्टल को नष्ट करने के बाद हम इस तरह के शांतिपूर्ण दुनिया में राक्षसों से नहीं हार सकते। हम प्लान करते हैं एंजॉय करने के लिए। हॉलीडे 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 हॉलीडे। क्या बोल रहे हो तुम लोग? जल्दी चलो। सनशाइन समुद्र तट सर्फिंग। ओहो, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोगों से हॉलिडे के बाद मिलते हैं। बाय बाय। अरे यार, फाइनली वो लोग तो चले गए। अरे गट्टू, कैसा दिन था? कुंफू टीम पॉपुलर हुई कि नहीं? आपको वहाँ होना चाहिए था। जब हम वहाँ पहुँचे तो कतार बहुत लंबी थी। हमारे बहुत सारे पागल प्रशंसकों द्वारा पीछा किया गया। तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने उन लोगों को बचाया और परियों की दुनिया को सुरक्षित किया था। गट्टू, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। सच कह रहे हैं? मुझे लगता है तुम अपने पापा की उम्मीदों पर भी खरे उतरे। सच में? नहीं। अरे दर्द हो रहा है। ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था। दर्द हो रहा है। मैं वही चाहता हूँ कि दर्द हो। रुको। मिस्टर टिकटॉक भी हॉलिडे पर जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। घर अब फोटो में बहुत सुंदर दिखता हूँ। आओ जरा चेक किया जाए। देखते हैं, उन्हें जानना मुश्किल है। गोदाम भरे हुए हैं, फिर भी सीमित बिक्री क्यों करते हैं? मैं एक ताकतवर मर्द हूँ। मैं सबकी हेल्प करूँगा, सबकी। मुझे कुछ करने को तो मिला।
बुरा नहीं है वक्त गुजारने के लिए। खास औजारों की लिस्ट। अब मेरा ये वार संभालो। गलत निशाना। ये कैसा है? कौन हो तुम? सिस्टम फेलो बोरो। ये क्या सिस्टम का पात्र है? तुम मुझे कोई मिशन देने वाले हो? बोलो ना, मिशन देने वाले हो क्या? सीधे सीधे जवाब दो। जो भी हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वैसे तुम ना अपना नाम बदल डालो। परमिशन डिनाय। क्यों, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? परमिशन डिनाय। तुम, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये तो एक सिस्टम मात्र है। तो बताओ बताओ मिशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, समझे कि नहीं तुम? बोरो का लाइकिंग इंडेक्स तुम्हारे लिए घट के 9999 हो गया है। अरे सत्यानाश। रॉन्ग अटैक। पिता का नाम बताओ। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं इससे नफरत करता हूँ। मुझे अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करने से नफरत है। सिस्टम लॉग आउट। डैम इट। मुझे सिस्टम फेलियर से नफरत है, मुझे नफरत है, नफरत है मुझे। गट्टू की खुशहाल फैमिली, क्या ये मेरे पिता हैं? बारो पापा। बारो पापा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। पापा, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? बेटा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। पापा पापा, हंस उठ जाओ, बहुत देर हो रही है, उठ जाओ। समझ गया। मारो 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 मारो। वो क्या है? नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम शुरू से बोरो है, मतलब कि एकदम शुरू से? नॉट एप्लीकेबल। अरे यार, अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ओके, एक सवाल का जवाब दो। प्लीज राइट योर कमांड। अच्छा अच्छा, तुम्हें ये नाम किसने दिया? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड,
अच्छा तो जिसने इन सब का आविष्कार किया है उसने तुम्हें इनाम दिया है मिस्टर टिकटॉक, मिस्टर टिकटॉक ने दिया है ना? पक्का मिस्टर टिकटॉक ने दिया होगा, समझ गया? ला 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 ओह, ला 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 मिस्टर टिकटॉक तो नहीं। कम ऑन बोरो अभ्यास करो। लो 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 लो, पकड़ने की कोशिश करो। ये लो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? हाँ लाओ। सुनो लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो?
जाओ और ट्रेनिंग स्पॉट्स का पता करो, मुझे गट्टू से आगे जाना है। हेलो, बोलिए। अरे गट्टू, क्या हंस तुम्हारे साथ रह रहा है? हंस? मैंने उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है। ओ, क्या सच में? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। गट्टू, जब भी वो तुमसे मिले उसे कहना घर आने को। ओके ओके। क्या कहा? हंस खो गया है? हाँ। महाराज, ये इतना जर्जर क्यों है? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना सब ठीक करने के लिए, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सबके सब लापरवाह हो। महाराज, मैंने खोज की नई दिशा ढूंढ ली है एकदम। ये कैसा है? मिस्टर पिंटो को अपनी शक्ति सही रहेगा, मैंने ड्रीम मैन का आविष्कार किया है। हेलो महाराज, बहुत दिनों से दिखे नहीं, स्नो व्हाइट कैसी है? बताइए ना, स्नो व्हाइट कैसी है? गट्टू और बाकी तुम सब लोग भी सुन लो, हाल ही में परियों की दुनिया से कई गुमशुदगी की खबर आई है, मुझे आप सबों की मदद चाहिए। महाराज हम तैयार हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब तैयार हैं। और एक बात और है, उनमें एक सामान्य बात है, वो सभी गायब हुए हैं कुंग फू ट्रेनिंग सिस्टम से, इसलिए ध्यान रखना। कुंग फू? कुंग फू सिस्टम? नहीं, ये ठीक नहीं है। हमने एक अजीब सी चीज का सामना किया है। ए बाबा, ये क्या बात कर रही हो तुम? मिस्टर टिकटॉक, हमने एक गलती पकड़ी है, एक अजीब सा टावर है सिस्टम में। क्या कहा? असंभव है बोबो, ये असंभव है। कुंग फू टीम ट्रेनिंग सिस्टम वास्तविक में परियों की दुनिया पर आधारित है, ताकि हम सबसे असल माहौल का अनुभव कर सकें। वहाँ पर टावर क्यों है जबकि मैंने डिजाइन ही नहीं किया? गट्टू, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया गट्टू? मिस्टर टिकटॉक, एक बात बताइए, क्या ये सिस्टम आपने खुद डिजाइन किया था? हाँ, लेकिन मैंने टावर डिजाइन नहीं किया, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पासवर्ड डिनाइड, पासवर्ड डिनाइड। मैं इस टावर का डाटा मिटा नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी। ये गंभीर समस्या है, किसी ने सिस्टम से छेड़खानी की। क्या? किसने ऐसी हिम्मत की है? किस बदतमीज ने ऐसा किया? मुझे बैकग्राउंड प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा, तुम सब सावधान हो जाओ, समझ गए ना? कहाँ है वो? पापा, बोरो, बोरो। गट्टू, ये बोरो कौन है? ये मेरे सिस्टम का फैलो है। सिस्टम का फैलो? क्या ये सिस्टम का वायरस है? छे, तुम लोग वायरस हो, समझे? क्या सिस्टम के फैलो हमेशा रहते हैं? हाँ। ये तो किसी को नहीं पता, ये जरूर कोई चाल है बॉस। ये सिस्टम फैलो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? क्या मिस्टर टिकटॉक को पता है? मिस्टर टिकटॉक मेरे पापा को जानते हैं, ये फैलो जरूर मेरे लिए एक खास तोहफा होगा। वाह, मुझे पता है एक्चुअली क्या हुआ है। ये बस एक साधारण सा सिस्टम प्रोग्राम है, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं है। साधारण? लेकिन हमारे पास नहीं था। बुरी किस्मत। अरे ये छोड़ो, ये देखो, ये टावर कितना अजीब है, चलो अंदर। ठीक है बॉस। बोलो, कहाँ हो तुम, बोलो ना। अरे यार। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। ओ, ओ, माँ से तो बहुत ऊपर है। क्या सच में हम लोग जा रहे हैं? हाँ, लगता तो है। जाएंगे तो चलें अब। चलो। माँ, रुको। गैर कानूनी प्रोग्राम पर प्रहार। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा वायरस। बॉस, मैं धंधा बॉस और डरा हुआ हूँ। बॉस,
मुझे बॉस को रोकना ही होगा। बॉस रुक जाओ, बॉस अकेले मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बॉस रुको। ये सही वक्त नहीं है बच्चों आने का। ये क्या है? सब ध्यान से। मॉस ये तो बहुत ही घिनौना है। बेवकूफ, ये घिनौना नहीं, ये तो राक्षस है। आओ तुम दौड़ क्यों रहे हो? मैं तो दौड़ रहा था वहां सबको मारने के लिए। कब तक ऐसे दौड़ते रहोगे? जाकर उससे लड़ो। जो तुमसे कहा वो समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया बात। अब मैं दौड़ के सबको मार दूंगा। भूल जाओ सब कुछ, चलो लड़ाई करते हैं। बैलों की पावर। आओ देखो मेरा कमाल। आओ। उसको कमजोर मत समझना। गट्टू ध्यान से। हम इंसानों को कैसे खत्म कर सकते हैं बॉस? अगर बोरो यहाँ है तो उसके पास कोई समाधान होगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हाँ बहुत ध्यान से वीक पॉइंट पे वार करो। सारे बेल एक दूसरे से उलझे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, वो एक काला पत्थर है। प्लीज रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम इन जालों में फंस जाएंगे। रुक जाओ। करता है लेकिन थोड़ा कठिन है। सब एक साथ वार करो, लंब उछाले, एक साथ वार करो। ओके आओ। चलो उस पत्थर के टावर पर अटैक करें, इससे वो बेलें मर जाएंगी। अब थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलूंगा बच्चों। आह
यह छत गिरने वाली है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। इस तरह की बेल है ना, काफी मजबूत है ये। ये तो इस चीज़ को तोड़ देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा तुम तो यहाँ के नहीं हो। अब हमें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। ओके हम बहुत थक गए हैं, लेकिन हम अब ऊपर कैसे जाएंगे? क्यों क्यों मुझे देख रहे हो? मैं फायर क्रेन नहीं बन सकती तुम लोगों को उड़ाने के लिए। अरे यार, वाह, अभी तो और भी है। ये लिप्स वायरस राक्षस के लिए कितना अच्छा है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उनसे लड़ता ही नहीं बाबा। लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत देर हो चुकी है, मेरा प्लान कामयाब होगा आज नहीं तो कल। उन लोगों की एनर्जी का इस्तेमाल करो वायरस बनाने के लिए और सिस्टम बग को खोलो, फिर डार्क वर्ल्ड और परियों की दुनिया को जोड़ दो। हम अंदर नहीं जा सकते। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो एक साथ करते हैं। मारो इसे। हमला।
ये तो बहुत ही कठिन है। ये मेरा ताकतवर शरीर किसी काम का नहीं है। हाँ ये तो जरूर वायरस ही है, इसके सामने हमारी ट्रेनिंग टूल भी काम नहीं कर रही है। ए वायरस, तुम हंसना बंद करो, समझे? लगता है इसका इलाज करना पड़ेगा। माँ, आपने तो कमाल कर दिखाया। स्लीपिंग ब्यूटी। हंस, क्या तुम ठीक हो? गट्टू, डैम इट, मेरा वायरस क्रिस्टल मेरे ही वायरस को बर्बाद कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये क्या है? सुनो गट्टू, जाओ, अब तुम्हें जाना होगा। ये टावर किसी के द्वारा बनाया गया है, कोई अनजान जिसने सिस्टम खराब कर दिया है। तुम सब लोग आगे भागो। और मैं इधर फार्म स्क्विड प्रोग्राम एक्टिवेट करता हूँ, क्या तुम उसे छेड़ रहे हो? अरे वो फार्म स्क्विड एक्टिव है। अरे तुम लोग अभी जाओ, जल्दी जाओ, कितना यहाँ से। गट्टू जल्दी आओ, ये टूटने वाला है। बारो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैं मजबूर हूँ। चलो जल्दी करो गट्टो, जल्दी करो। ये एक बस सिस्टम प्रोग्राम है, जल्दी करो। चलो हम साथ नहीं जाएंगे। जल्दी करो गट्टो, ये तो काम नहीं कर रहा है। मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ। गट्टू पकड़े रहो, जोर से पकड़े रहो, छोड़ना नहीं गट्टू। गट्टू शुक्रिया लंबू शाने। ओ गट्टू, आखिर तुम वापस आ ही गए। मैं वापस आ गया हंस। पापा। लिटिल रेड राइडिंग हुड, मुझे माफ कर दो। गट्टू अभी भी अंदर है। क्या कहा? वो अंदर ही है। औजार इस्तेमाल करो। ऐसी स्थिति में मुझे अपना दांव खेलना चाहिए। सबसे उच्चतम एडमिनिस्ट्रेटर का अनुमति कार्ड। जल्दी करो मिस्टर टिकटॉक। पासवर्ड 60। पासवर्ड प्लीज एंटर अगेन। 1 2 3 4 5। ये फियोने का बर्थडे तो नहीं है। रॉन्ग हो गया, मुझे याद आ गया। रॉन्ग पासवर्ड। अब क्या करूं?
याद आया, इसमें पासवर्ड है ही नहीं। लोडिंग। तुम सब लोग बाहर जाओ। वायरस प्रोग्राम को रोका जा सकता है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा मेरे पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे पापा। पापा आखिर कहाँ हैं आप? शांत गट्टू, मैं अपने पापा से फिर से मिलूंगा, है ना मिस्टर टिकटॉक? मुझे मेरे पापा चाहिए। मुझे मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। गट्टू, आ जाओ, अंदर आ जाओ। गट्टू, तुमने खाना नहीं खाया, लो कुछ खा लो। शुक्रिया बोबो। वो लोग कहाँ हैं? घबराओ नहीं, उन्होंने हांस को घर भेज दिया। ये क्या है? कुछ नहीं, बस एक एल्बम है और कुछ नहीं। इसका प्रिंट कितना अच्छा है। कितना उदास है। कौन है ये? ये बोरो है और ये मेरे पिता। लेकिन मुझे पता है ये सब नकली है, ये बस डाटा कोड है। मैं ठीक हूँ। कट्टू, बोबो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कट्टू, मैं जानती हूँ तुम अपने पिता से जरूर मिलोगे। गट्टू बेटा उठो। उठो बेटा गट्टू। देखो देखो बेटा, मैं वापस आ गया। पापा पापा, मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगे। रो मत बेटा गट्टू, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। सच में? हाँ बेटा। पापा, हाँ आज हम कहाँ ट्रेनिंग करेंगे? आज हम फिशिंग करेंगे। बढ़िया, ये है। सच में ऐसा ही है, इतने लंबे समय और इतने कठिन परिश्रम के बाद ये चाबी मिली है डार्क पोर्टल की।
मारो, तुम डर के राजा हो। वो क्या है? भागो, 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 भागो। कैसी है? अच्छी है, रख ठीक है। रुको रुको, मुझे एक फोन उठाना है। अब ले चखो। ओ टीम, इन राक्षसों को बेस की तरह भटकाओ, मेरे पास एक समाधान है। यस सर। बॉस, हमें क्या समाधान है? कुछ तो बोलिए बॉस। मुझे इस कठिन परिस्थिति में अपना दाव खेलना होगा। भागो भागो। हे भगवान, हमारा तो टाइम आउट हो गया। डैमेज। मैं बर्फीला हिरन नहीं हूँ, मैं तो खोपड़ी हूँ। टुंकु टीम, हम तुम्हारा साथ देंगे। सुनो सब लोग, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा खुद करनी होगी। ट्रेनिंग सिस्टम को कुछ भी नहीं होगा। भागो बोबो। उधर देखो, वो कैसा प्रकाश है। ये वो प्रकाश है जिसने किसी समय की दरारों को खोल दिया था। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। आपका समाधान क्या है? मेरा समाधान ये है कि है।
ये देख ड्रीम मैन उन सब से लड़ने के लिए उन्हें उनके खुद के ही चेहरे से मर जाने दो। आया ये आइडिया बकवास है, ये काम नहीं करेगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। चलो ऊपर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। चलो चलो। आज बहुत दिनों बाद इतनी मस्ती की है। शुक्रिया बोरो, बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलो गट्टू, दरवाजा खोलो गट्टू, तुम लोग दरवाजे से हट जाओ। क्या कोई पेड़ काट रहा है क्या? उस तरफ ध्यान मत दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। सॉरी, दरवाजा तो नहीं टूटा। ये तो बहुत ही ताकतवर है बॉस। एक्चुअली ये है लोहे का कपड़ा। कैसे हो दोस्तों? तुम आए, बोरो, क्या ये है वो राक्षसों का अगला झुंड जिनसे हमें लड़ना है? राक्षस है? बहुत हुआ, मेरे से मुकाबला करो, आ जाओ। भाई इतना ऊंचा है ये। मारो मारो, सब सावधान हो जाओ, गट्टू अब हमको नहीं पहचान सकता। मारो, क्या तुम सच में गट्टू के पिता हो? तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं हूँ। तुमने उसके साथ क्या क्या बोलो? तुमने उसके साथ क्या किया है? ये जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गट्टू को बुलाओ जल्दी से। तुम बहुत दिनों बाद देखे मिस्टर टिकटॉक, कैसे हो? तुम्हारा कमजोर पॉइंट पाकर बहुत खुशी हुई। ये तुम्हारे काम का नहीं है। बोरो, तुम इसका फायदा उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा तुमने? अरे शर्म किस बात की? मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ, अब मेरे लिए कोई बात मायने नहीं रखती। वो तुम्हें हर रोज याद करता है, वो चाहता है कि तुम वापस आ जाओ। वापस? लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ और मैं इसकी माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये डार्क टाइम है और मैं इससे डार्क में गया हूँ, और वो समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, सबसे खूबसूरत पल। अरे बुरी बिल्ली, रुक जा। क्या ये तुम्हारा है? ये लो। हेलो।
क्या तुम रास्ता भटक गए हो? क्या तुम यहाँ की रक्षक हो? तो सर, मुझे लगता है आप यहाँ से तो नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो रक्षक जो परियों की दुनिया की रखवाली करती है, वो स्मार्ट और खूबसूरत लड़की है जो कि बोरो द डार्क प्रिंस से मिली थी जब वो हमारी दुनिया में आ रहा था। हाँ, बहुत दिन हो गए जब से मैंने ऐसा नजारा नहीं देखा। सच कहा तुमने, मैंने भी नहीं देखा। और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। वो परियों की दुनिया में सुख से रहने लगे, लेकिन डार्क प्रिंस ने उन्हें अलग कर दिया। और अलग होने से पहले उन्होंने गट्टू को जन्म दिया। इसे जाने दो पापा, ये बहुत मासूम है। मैं परियों की दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। यार, डार्क वर्ल्ड के वंशज होकर भी तुम इन सब बेकार की बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? परी देश के लोग हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं। तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते। नहीं। इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। रीला! नहीं! रीला! नहीं! मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन बदले में परियों की दुनिया चाहिए, परियों की दुनिया की बर्बादी। अगर परियों की दुनिया को बर्बाद करके मैं उसे पा सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तुमने उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम पिता हो उसके। गट्टू के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। मुझे तुम्हें तुम्हारे सिस्टम के लिए शुक्रिया बोलना चाहिए। इसमें इतने लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से मैं आज परियों की दुनिया में सही कहा ना मिस्टर टिकटॉक? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा काम खत्म हुआ। उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। पापा चले जाओ, उसकी साइड मत लो। हाँ इसके छोटे छोटे हाथों को देखो। ये बड़ा होके आप जैसा बनेगा। क्या बच्चों को कैंडी देनी चाहिए? उसे पता भी नहीं है कैसे खाते हैं। मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने जा रही हूँ। विश मी गुड लक गट्टू। गट्टू माँ गट्टू, खुशी हुई तुम बड़े हो गए। तुमने आज मुझे माँ कहा। मामा गट्टू, माँ गट्टू, माँ रीला, रीला बोरो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रीला मुझे माफ कर दो। रीला मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम सबसे प्यार करती हूँ। माँ
रीला। पापा रुक जाइए, परियों की दुनिया को बर्बाद मत कीजिए आप। पापा रीला, क्या ये तुम हो? ये तुम लोग हो जिसने डार्क वर्ल्ड को बर्बाद किया है? शक्तिशाली है। मुझे जाग कर बहुत अच्छा लग रहा है। डार्कनेस की शक्ति, घूमने की शक्ति मुझ में है। मैं राजा हूँ डार्क का। मेरे नागरिक बर्बाद करने को तैयार। बाबा नहीं। रीला, अब हम जल्द ही एक साथ होंगे। हाँ पापा, परियों की दुनिया को बचाने के लिए मुझे आपसे लड़ना होगा पापा। सिग्नल आ रहा है। आओ, इसका क्या मतलब? कट टू द पावर चैन, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। चलो, परियों की दुनिया का मास्टर बनते हैं। आ जाओ। फाइव स्प्लिट किंग, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। परियों की दुनिया नागरिक के लिए एक शांत जगह है। मैं किसी को इसे तोड़ने की इजाजत नहीं देता। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन तुम मेरे दुश्मन हो। फाइव स्प्लिट किंग, तुम्हारी चाल कितनी धीमी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, कमजोर पॉइंट पे वार करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकरारी क्या होती है। ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। सच में इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं हो। नहीं, जान दे के भी रक्षा करूंगा। हाँ गट्टू, संभाल के। गट्टू,
बेटा तुम बड़े होके एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। क्या डार्क के राजा, मैं राजा हूँ डार्क का। डार्कनेस की शक्ति, घूमने की शक्ति मुझ में है। पापा, मुझे बौरो बुलाओ। अब तुम खुश हो ना? मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकता और तुम भी यहाँ फंसे हो। परियों की दुनिया, तुम हमेशा परियों की दुनिया के बारे में क्यों बात करते हो जैसे तुम्हारी माँ किया करती थी? पापा, वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब तक परियों की दुनिया सुरक्षित है। अच्छा ठीक है, तब तक मैं परियों की दुनिया में जाकर डार्क पोर्टल को ना खोल लूं। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। परियों की दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हारी माँ को बचाने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। कट टू द पावर चैंप। ये आध्यात्मिक तलवार है जो फाइव स्पिरिट से इकट्ठा हुई है। इसका इस्तेमाल करके डार्कनेस को काट सकते हो। गुड बॉय, आध्यात्मिक तलवार, क्या बात है? मैं परियों की दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दूंगी। बोरो, यहाँ सब कुछ से प्यार करती हूँ। यहाँ की शांति, यहाँ का माहौल, मैं इसे बचा के रहूंगी चाहे जो भी हो। संभलो। परियों की दुनिया से माँ को बचाएं, हम दोनों ये कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ।
जब डार्क पोर्टल बंद हो जाएगा तो हमारे सारे दोस्त मर जाएंगे। तुम सब राक्षस हो, तुम घमंडी हो। अगर मैं तुम्हें अभी जाने दूं तो तुम नहीं जाना चाहोगे, है ना? जब मेरा मन होगा तब जाऊंगा मैं। क्या तुम्हें आज भी याद है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ये डार्क वर्ल्ड है बोरो, यहाँ सबसे ताकतवर को ही इज्जत मिलती है। चलो बोरो और उस छोटे बच्चों को मारो। कमजोर पॉइंट पे वार करना। बारो, तुम अपना राज्य हमें दे दो। अगर मैं देना चाहूं भी तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इसे लेने के लिए। पत्थर की दीवार। पापा, मुझे आपसे इस तरह लड़ाई करके अच्छा लगा। मेरे बच्चे, मेरे पास बस थोड़ी शक्ति बची है। मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, तुम्हारा एडवेंचर तब शुरू होगा। अभी मैं जाकर टाइम स्पेस ट्रेवल का इस्तेमाल करूंगा। बोरो टाइम स्पेस ट्रेवल इस्तेमाल करने वाला है, तुम सब लोग जाओ, जल्दी जाओ। मैं इसे हैंडल करूंगा। नहीं पापा, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। क्या है वो, जरा उधर देखो, अभी आओ, देखो वो, देखो हमारा टट्टू। टट्टू उसका फाइव स्पीड फोर्स गायब है। मुझे लगता है ये टुकड़ों में बट जाएगा। मास मास आओ आओ गट्टू। पापा सच में अब तुम बड़े हो गए हो और अपनी देखभाल खुद कर सकते हो। बोबो आके तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? क्या कह रहे हो? देखो आँख मत खोलना। मैं कह रही हूँ आँख मत खोलना। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है तुम्हें चाहिए? मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। नहीं 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 गट्टो, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, ये हम नहीं पा सकते, टिकटॉक ने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे कहते हैं बेटा। ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। आ,
कैसे हो बेटे? आ, 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 आ,